हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मीज किचन में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं राजस्थान की फेमस हरी मिर्ची की सब्ज़ी। तो हरी मिर्ची की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 मोटी मोटी हरी मिर्ची ले ली हैं। ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने के लिए इसको आप 2 से 3 दिन तक रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती क्योंकि इसके अंदर लहसुन का मात्रा नहीं होती, ना इसके अंदर पानी होता है, तो ये ज़्यादा जल्दी सी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इनको हम इस तरीके से गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। इनकी डंठल अलग कर देंगे और इनको इस प्रकार से गोल गोल पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अभी हमने ये मिर्ची कट कर ली है, तो इनसे क्या होगा, आधे से ज़्यादा इनके बीज भी हट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ मसाला बनाना पड़ता है। तो इसके मसाले के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी के अंदर सबसे पहले डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची जब बनाते हैं उसके अंदर धनिया की मात्रा कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये मिर्च थोड़ी फीकी है। अगर आपकी मिर्च तीखी है तो आप इसमें लाल मिर्ची का प्रयोग ना करें, अगर आपकी मिर्च फीकी है तो इसमें आपको लाल मिर्ची का प्रयोग करना पड़ेगा। नमक डाल दीजिए स्वाद के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम डाल देते हैं सौंफ को, थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था मैंने, और साथ ही में जो हल्का सा हमारा जीरा है उसको हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीस कर भून कर पीस लिया था, वो भी इसमें डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें डाल देती हैं, इनको हम अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, और इधर पैन के अंदर ऑयल रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके आगे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देख सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल को मैं अच्छा सा करूँगी गरम। जब हमारा ऑयल अच्छा सा गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी मिर्ची बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब कलौंजी, और कलौंजी के साथ ही 1/2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे राई और जीरा। अब इन तीनों चीज़ों को हमने डाल दिया है और तीनों चीज़ों को अच्छा सा भूनने देते हैं। राई भूनते ही चटक जाती है, इसीलिए इसमें जल्दी से हमें हरी मिर्ची को डालना पड़ेगा। तो ये हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, इसमें आधे से ज़्यादा बीज बाहर निकल चुके हैं। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि जो ये हरी मिर्ची है ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी बने। जब ये हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी उसके बाद में जो हमने मसाला तैयार किया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर ना ही तो लहसुन, ना ही प्याज, ना ही टमाटर, ना ही कोई पानी, किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और इसे बनाकर आप इसको रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको कर दिया है मैंने। अब इसमें डाल देते हैं जो मसाला हमने सूखा तैयार किया था, वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छा सा मैं कर लूँगी मिक्स, और पूरा मसाला इन हरी मिर्चों के अंदर चला जाएगा और अच्छा सा कोट हो जाएगा ऊपर, और इससे बहुत ही टेस्टी हमारी हरी मिर्चें बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपको ये हरी मिर्ची की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार हमारी हरी मिर्ची बनकर तैयार हो चुकी है। राजस्थान की फेमस हरी मिर्ची होती है, जिन्हें हम टपोरी के नाम से भी जाने जाती है। तो हरी मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है, मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ बाउल वगैरह में, आप इसको निकाल के रख लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ लक्ष्मी किचन। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।